आप नेता संजय सिंह का दावा है कि केंद्र सरकार और आरएसएस के लोग संविधान को बदलना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने पूछा कि बीजेपी को बाबा साहेब से इतनी नफरत क्यों है। इंडिया दैट इज भारत, लेकिन इनसे नफरत करने वाले लोग इसे बदलना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस, नरेंद्र मोदी जी दलितों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। नफरत इनके दिलों में भरी हुई है। क्या लिखा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? आर्टिकल की कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 पढ़िए, पहली धारा। भारत के संविधान की पहली धारा में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किसने लिखा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब मोदी और भागवत जी को क्यों नफरत है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से? क्यों इतनी घृणा इनके मन में भरी हुई है? भारत के संविधान के निर्माता ने जो लिखा कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, पहली ही धारा को आप बदलना चाहते हैं। ये इस देश के करोड़ों लोगों का अपमान है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर में आस्था रखते हैं, जो भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, ये उनका अपमान है। और मैं मोदी जी को और भागवत जी को आगाह करना चाहता हूं कि बाबा साहब के सम्मान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, भारत के संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। भागवत भाजपा के भगवान है, आपको पता नहीं है? भागवत जो है वो भाजपा का भगवान है। जब भगवान ने कोई बात बोल दी तो जो भक्त हैं तो वो तो चर्चा करेंगे उस पे। पूरी बीजेपी लग गई इस काम में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल इंडिया को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि जब अटल जी की सरकार थी हमने शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और हार गए थे। तो स्टार्टअप इंडिया दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। मेक इन इंडिया नारा दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। डिजिटल इंडिया का नारा दिया मोदी जी ने, खतरनाक वर्ड इस्तेमाल किया। ये कौन सी बहस चलाई जा रही है इस देश के अंदर? तो जब मोदी जी इंडिया बोले तब वो शब्द है, उसकी गरिमा है, वो अच्छा है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो अब उसको बदलना है इनको, संविधान को। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी नफरत बीजेपी, मोदी और आरएसएस के मन में बाबा साहब और दलितों के प्रति है, जिसके कारण से वो इंडिया शब्द संविधान से हटाना चाहते हैं। पहली धारा जो हमारे संविधान निर्माता ने लिखी उसको ही बदलना चाहते हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने जो वन नेशन 20 इलेक्शन ओवर, तीसरे महीने चुनाव। भाई देखिए, एक बात आप समझिए, ये ऐसी सरकार है जब चुनाव आता है तो थोड़ी बहुत जनता को राहत दे देती है। केजरीवाल जी ने यही कहा कि जब 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो 5 साल तक सारा संसाधन उठाकर अडानी को देते रहेंगे, सारी लूट अडानी के लिए करते रहेंगे, सारा भ्रष्टाचार अडानी के लिए करते रहेंगे, देश को लूटते रहेंगे, बर्बाद करते रहेंगे। सिलेंडर का दाम 5,000 रुपए हो जाएगा, टमाटर 1,500 रुपए में बिकेगा, आप कुछ कर सकते नहीं है क्योंकि चुनाव तो है नहीं। 5 साल तक अब बर्दाश्त कीजिए मोदी जी को, जब चुनाव आएगा तो अंतिम समय में 200 रुपए कम कर देंगे। तो इसलिए इस देश में जो व्यवस्था चल रही है, अलग अलग समय पे चुनाव होते हैं, कम से कम उस चुनाव के दबाव में ही थोड़ा बहुत देश की जनता का भला हो जाता है। 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो 5 साल तो पूरी लूट की खुली छूट होगी मोदी जी के लिए और इनके चेलों के लिए। दूसरा मुद्दा, डीएमके मिनिस्टर ने जो हिंदू कम्युनिटी को मैंने टारगेट नहीं किया था लेकिन मैं अपने बयान पर, देखिए एक ही चीज को आप लोग रोज 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 एक ही बात को अगर आप बोलेंगे रोज रोज, उसका कोई, जब आम आदमी पार्टी का पक्ष मैंने साफ कर दिया कि आम आदमी पार्टी ये मानती है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए, तभी इस देश के अंदर भाईचारा बनेगा, तभी हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाले मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। और जो हिंदू धर्म का संदेश है वसुधैव कुटुंबकम, तभी हमारा भारत एक वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है,
ये जो हमारी पहचान है वो कायम रह पाए। परमहंस आचार्य उन्होंने बोला कि उनका जो सर दर्द अलग करेगा उसे 10 करोड़ का इनाम देंगे। देखो अब कौन क्या बोल रहा है, हर एक आदमी के बयान पे मैं टिप्पणी करता फिर उससे।